हेलो गाइस, दिस इज मारुति। आज की क्लास में आई लव यू का रिप्लाई कैसे दें, ये मेरे कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कमेंट के थ्रू। तो आज की क्लास इसी पर है गाइस। वैसे बहुत ही कम लोगों को पता है आई लव यू का करेक्ट आंसर। मोस्टली हम में से सभी इसका रिप्लाई ऐसे देते हैं, जो कि बहुत गलत होता है, आई लव यू टू, जो कि गलत है। चलिए पहले देखते हैं कि आई लव यू टू गलत क्यों है। किसी ने आपसे कहा आई लव यू, तो आप इसका रिप्लाई ये करते हैं आई लव यू टू। एक बार दोनों को हिंदी में लिख लेते हैं, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आंसर रिप्लाई दिया आपने इस तरह से, आई लव यू टू, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। यानी कहने का मतलब हुआ, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, यानी उसकी लाइफ में और भी हैं, आपके अलावा उसकी लाइफ में और भी हैं जिनसे वो प्यार करता है। हो गया ना मामला गड़बड़, टूट गया ना दिल। गाइस, इसमें गलती आपकी नहीं है, आपने सीखा ही ऐसा है इसे बोलना। इसलिए कहते हैं इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये गलत है तो सही रिप्लाई क्या है। तो पहले ये देख लें ये गलत क्यों है। गाइस, टू जो होता है, जिसको आप टू बोलते हो, कायदे से टी ओ टू होता है, ये टी डबल ओ है, टू, इसको टू नहीं बोलेंगे, टू बोलेंगे। टू जो होता है वे किसी भी चीज को और निखार देता है, उस चीज में और जान डाल देता है। जिस वर्ग के पास ये टू लगा होता है, वैसे टू माने भी होता है, भी। अब एक बार और देख लेते हैं, फिर इसके करेक्ट रिप्लाई पर आते हैं। आई लव यू टू, मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। अब इस टू का खेल देखिए, और इसे अब उठा के आई के पास रख देते हैं। आई टू लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और एक्चुअली मैं आपको यही बोलना होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ ऐसी ही बातें लेके आएंगे जो आप इनकरेक्ट बोलते हो। हम आपको बताएंगे कि करेक्ट आंसर उस चीज़ का क्या है, आपको उस चीज़ का आंसर कैसे देना है। मोस्टली लोग थैंक्स, थैंक यू, इसके भी रिप्लाई गलत देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि थैंक यू का रिप्लाई क्या। ओके बाय, टेक केयर।